हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है स्पेशल। आइए डालते हैं एक नजर। दोस्तों, आज हम आपको किसी भी शादीशुदा महिला को वश में करने का एक अचूक उपाय बताने वाले हैं। अगर आप किसी शादीशुदा औरत को चाहते हैं और उससे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि वह औरत खुद आकर अपने प्यार का इजहार करे, तो ये विधि आपकी मनोकामना पूरी कर सकती है। चलिए बताते हैं आपको इस विधि के बारे में। एक बार वश में होने के बाद स्त्री 389 दिनों तक आपके वश में रहती है और उस वशीकरण को खत्म नहीं किया जा सकता है, तो इसे बहुत ही सोच समझ कर करें। इसके लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि उस औरत की फोटो, लाल सिंदूर, कपूर की दो टिक्की, अपना खुद का इस्तेमाल किया हुआ कोई भी कपड़ा, केसर, बासमती चावल के दाने और चीनी मिला हुआ पानी। अब बताते हैं इसकी विधि के बारे में। पुरुष जिस शादीशुदा स्त्री को मोहित करना चाहते हैं, उस स्त्री की फोटो के ऊपर अच्छे से सिंदूर लगा दे, फिर कपूर की टिक्की, केसर और चावल के दाने अपने कपड़े में डालकर बांध लें और रात को सारा सामान अपने तकिए के पास रख कर सो जाएं। फिर सुबह उठकर चीनी वाला पानी पी के नीचे जमीन पर बैठ जाएं और रात वाला सभी सामान जमीन पर रख ले और फिर इस मंत्र का 21 बार जाप करें। हरिम क्रीमा मुकम आकर्षाय, स्त्री का नाम वशन कुरु कुरु स्वाहा, और मन ही मन उस स्त्री को अपनी ओर बुलाए। जाप खत्म होने के बाद किसी सुनसान जगह पर जाकर ये सारा सामान जला दें या फिर दफना दें। ये विधि आपको कम से कम 5 शुक्रवार तक करनी है। इस विधि के साथ साथ आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी, जैसे कि विधि खत्म होने के बाद उस औरत से खुद से मैसेज या फोन पर बात ना करें, वह खुद ही आपके पास आएगी। इस विधि को एक से ज्यादा औरत पर ना करें। इस विधि को शुक्रवार से ही शुरू करें। इसे किसी गलत भाव से इस्तेमाल ना करें, नहीं तो ये उल्टा असर भी दिखा सकती है। तो यह दोस्तों किसी भी शादीशुदा महिला को वश में करने का अचूक वशीकरण।